अलमेकम अब हमारा नेक्स्ट जो क्लास ऑफ है ड्रग्स की वो है बिटल एक्टम्स की लास्ट ये है हमारी ग्रुप सेफ्लोस्पोडिन जो कि मैंने बताया था आपको सेल्वॉल सिंथेसिस की ये वाली चार बताई थी मैंने आपको पीसीएम में और तो इसमें जो है वो हमारी है सेफलोस्पोडिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेफलोस्पोडिन सेलवॉल सिंथेसिस की इंगीबिटर यू क्यू है आपका बहुत इंपॉर्टेंट यू क्यू आता है इसका कि आपने इसके जनरेशन जो है ना डिफरेंट जनरेशन के बताने हैं मैंने आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है इसके हैं पांच जनरेशन वन टू थ्री एंड फोर टू नज़र नहीं आ रहा आपको वन टू थ्री एंड फोर एंड फाइव पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस लिहाज से कि एटलीस्ट आपको हर ग्रुप में एटलीस्ट एक नाम तो आना चाहिए लेकिन एक नाम से गुजारा नहीं होता बहरहाल लेकिन आप अगर एक एक याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी है लेकिन थर्ड जनरेशन की आपको एटलीस्ट तीन रस के नाम याद होने चाहिए अच्छा जी अब याद कैसे करना है इसको याद करना सबसे मुश्किल काम है सो so, मैंने आपके लिए बहुत छोटे और बहुत प्यारे प्यारे मॉनिक बनाए हैं जिससे आपको बहुत ही ईजिली चार और पाँचवा ग्रुप याद हो जाएंगे सबसे पहले हम देखते हैं आखिरी ग्रुप को बाहर करते हैं वन से फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ एंड फिफ्थ फिफ्थ को तो हम साइड पे कर लेते हैं ना इसको याद कर लेना ताड़ू पाँचवा ग्रुप ताड़ू है फोर्थ ग्रुप जो है वो प्राइम मिनिस्टर समझता है अपने आप को थर्ड से याद करना है कि इसके अंदर थ्री है जिसमें तो टी आएगा अब सेकंड और फर्स्ट ट्रैक है कि अब सेकंड और फर्स्ट को कैसे याद करना है सो so, हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन को हमने कैसे याद करना है इसकी दो ड्रग्स हम याद करते हैं उसमें कौन सी हैं हमने याद करना है इसको सीफा से सीफा सीफा याद कर लिए अगर तो आपको दोनों ड्रग्स याद हो जाएंगी सीफा से याद करना है सैफ़ा लैक्सिन सेफ़ा जूलिन ठीक है सब के अंदर जो ना सेफ़ सी ई e, एफ़ से तो सारी ही ड्रग्स आएंगी ना सारे ही ड्रग्स सेफ से हैं लेकिन जिसमें ए आ जाएगा सिफा से तो वो हमारी फ़र्स्ट जनरेशन बन जाएगी ए जो है वो फर्स्ट पे आता है इसलिए हमने सिफा से याद कर लिया शीफा जोलिन सेफ़ा लैक्सिन फिर हम मूव ऑन करते हैं टू तो द सेकंड जनरेशन जिसकी ड्रग्स थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं सबको लेकिन इसका निमोनिक बहुत आसान है आपने याद करना है शीफू शीफू ओ और यू सी ई -E एफ ओ आएगा या यू आएगा शीफू शिफ़ू ओके सो so, आएगा शिफू रुकजाइम शिफू टिटीन शिफोक्टीन ओके सो so, आपको ये भी याद हो गया वो शिफा ये शीफू उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की थर्ड जनरेशन में आपकी आती हैं ट्राई वाली मतलब टी वाली आएंगी सेफ्टो जो कि हर तरह के हर, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पाई जाती है सेफ्ट्राइगज फिर आ गया टी से, सेफोटेक्साइन, फिर टी से आ गया सेफ्टजडीम सेफ्ट के बाद सेफ के बाद टी, सेफ के बाद टी सिर्फ इसका थोड़ा सा टी दूर है सो so, सेफ्ट सेफ्टजडीम सिफोटेक्साइन सिफोटेक्साइन और यहाँ से जो है ये सिफो सिफोक्टीन और सिफोटिटेन ये थोड़े से आपसे मिक्स होंगे सो आप एक अलग किसी ड्रग के तौर पर याद कर लें सिफोटेक्साइन जो है वो इसके अंदर आएगी और टिटेन और आ, टिटेन और ऑक्सीटिन जो है वो उसके अंदर सेकेंड जनरेशन में आएंगी उसके बाद फोर्थ का मैंने बता दिया आपको कि फोर्थ वाला अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझता है तो ये आएगा पी और एम वाला मतलब पी वाला आएगा सिफू पाइम किसी में पाइम पी वाला कोई भी ड्रग नहीं थी सो ये शिफू पाइम हो गया और पाँचवा तो वैसे ताड़ू है तो सेफ्टर सो हमें ड्रग्स याद हो गई हैं ये है हमारी क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि जिस तरह से पेनिसिलिन के अगेंस्ट बैक्टीरिया ने बड़े ही मज़े से रेजिस्टेंस डेवलप कर ली थी तो वही बैक्टीरिया ने जब सेफलोस्पोरिंस को हमने दिया कि बैक्टीरिया को मार दें तो ऐसा ऐसा इन बैक्टीरिया ने भी इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली अब किस मैकेज़म से की है ऑलमोस्ट वही सेम का सेम वही मोडिफाइड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को करके बाय जेनेटिक म्यूटेशन सेल में प्रमिलिटी को ऑल्टर कर दिए कम से कम गेट या चैनल्स रख लिए थर्ड वही चीज़ के बिडिलेक्टमीज इनजाइम सो so, चाहे साइक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो या जो भी हो पूछनी आपसे आपने तीन मैकेनिज्म ही बताने हैं फिर हम बात करते हैं कि किस तरह से जो हमने ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स की बात की है वो किस तरह से सेंसटिविटी से मतलब कौन ज़्यादा बिटालैक्टमीज से सेंसिटिव से है इस इंसान से और कौन तस, कौन सी ड्रग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उसके खिलाफ लड़ लेगी हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव है जो कि बैक्टीरिया से डर जाती है ड्रग वो है पेनिसिलिन लेकिन पेनिसिलिन में सिर्फ एक डोन है जो कि नहीं डरता सो वो मैंने इसको अलग से मेंशन कर दिया है उसके बाद अगर हम एक एरो बना लें और हम ये देखें कि वन बाय वन जो है कौन ज़्यादा रेजिस्टेंट होता जा रहा है और कौन से सेंसटिकटी करीब है तो वो हम इस तरह से पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन सप्लसपोरस हैं वो कम रेजिस्टेंट हैं एस कम्पेयर टू तो सेकेंड जनरेशन के फिर फोर्थ जनरेशन आ गई इसके अंदर फिर जो हमने पढ़े थे एस्टियोनम यानी मोनोबैक्टम जो कि ओनली फॉर ग्राम नेगेटिव थे वो रेजिस्टेंट थे और हमने ये भी कहा था कि जो एस्ट्रोनम है वो ई एस एल बी एल के ख़िलाफ़ भी अच्छा खासा जो है वो रेजिस्टेंट है अब हमारे पास जो तोप दवाई है ना जिसे हम कहते हैं ना कि तोप की दवाई जो कि बैक्टीरिया को पटाख जाके बम फाड़ देगा बैक्टीरिया को मार देगा वो है कार्बापिनम्स सो तो आप देख रहे हैं कि सेफलोसपोर पीछे आते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो मेडिसन है जो कि रेजिस्टेंट है वो है कार्बापिनम्स सो तो ये सबसे आगे की दवाई है